आइए आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिनोहा यूनिवर्सिटी के द्वारा 2016-18 में पूछे गए थे। आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। इसमें चार विकल्प दिए हैं, स्किनर, मैन, वाटसन एंड नन ऑफ दिस। इन तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके यह कोटेशन नहीं है, इसलिए आंसर इसका 4 बनता है। फिर सवाल आता है कि ये कोटेशन किसका है, तो ये कोटेशन है आरएस उडवर्थ का। आरएस उडवर्थ ने यह कोटेशन दिया है, ये परिभाषा मनोविज्ञान की दी है। सेकेंड क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। यह किसने कहा है, और इसको चार विकल्प दिए हुए हैं, स्किनर, जेम्स ट्रेवर, क्रो एंड वाटसन। यह परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है और यह स्किनर के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसका आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। किसने कहा है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह भी एक प्रसिद्ध परिभाषा है और इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं, तीन मनोवैज्ञानिक के नाम है और इसमें पहला विकल्प सही है, यह परिभाषा गुड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज गिवन बाय। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है, तो इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, इसका नाम हमको देखना है। चार विकल्प दिए हुए हैं और हम लोग जानते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव के द्वारा दिया गया है, पावलोव ने प्रतिपादित किया है इसको, इसलिए आंसर इसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज गिवन बाय। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है, मतलब किसने प्रतिपादित किया है, प्रोपोंडेड बाय, क्वेश्चन प्रोपोंडेड बाय है और इसका प्रतिपादन में चार विकल्प दिए हुए हैं और इसका प्रतिपादन जो कि थॉर्नडाइक ने किया है यह प्रसिद्ध है और इसलिए इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन, यहाँ लैक्स इन होगा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन, अंतर्निरीक्षण पद्धति में अभाव है। किस चीज का अभाव है, चार विकल्प हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो चूंकि इंट्रोस्पेक्शन में जब कोई व्यक्ति अपने अंदर झांकता है तो उसकी जो तो रिलायबिलिटी पूरी अच्छी होती है और नहीं वैलिडिटी की कोई गारंटी होती है और ऑब्जेक्टिविटी होने का तो प्रश्न ही नहीं है, तो इसलिए इसमें सब्जेक्टिविटी होता है और जहां सब्जेक्टिविटी होगी वहीं रिलायबिलिटी या वैलिडिटी नहीं होगी। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड सब्जेक्टिव है और इसलिए इसका आंसर बनता है 4, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों जो हैं इसका अभाव होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जो तीसरा है वह प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होकर के जनरल टू स्पेसिफिक होता है, इसलिए तीसरा इसका आंसर है, क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है तो तीसरा इसका आंसर है, यह विकास का सिद्धांत तीसरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू बी.एफ. स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ। भाषा का विकास जो है बच्चों में वह किसका परिणाम है, तो इसमें चार विकल्प हैं, ट्रेनिंग इन ग्रामर, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, नेट एबिलिटीज, मैच्योरेशन। तो पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही स्किनर के अकॉर्डिंग नहीं है और रीइंफोर्समेंट और इमिटेशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, और अगर सही बच्चा बोलता है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है और इस प्रकार से भाषा का विकास होता है, तो आंसर इसका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीजेस इन प्रेगनेंसी व्हेन फॉलोड बाय रिवार्ड इज नोन एज। यहाँ पर प्रेगनेंसी गलत टाइप हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी दिया है, यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी पढ़ना पड़ेगा। तो बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय ए रिवार्ड इज नोन एज, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार की बारंबारता बढ़ जाती है कहलाता है। चार विकल्प है, शेपिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, जनरलाइजेशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब यहाँ पर इस प्रश्न में आंसर तो 4 होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, लेकिन यह प्रश्न सही तरीके से संरचित नहीं है तो इसके संरचना में थोड़ी प्रॉब्लम है,
तो पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार की बारंबारता बढ़ जाती है, इस व्यवहार को, इस फेनोमेना को, इस घटना की व्याख्या ऑपरेंट कंडीशनिंग करता है, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत करता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इसकी व्याख्या करता है, यह कहलाता नहीं है, फिर भी आंसर 4 होगा यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं। Who propounded सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, और यह एक प्रसिद्ध सिद्धांत है और इसको रोजर ने प्रतिपादित किया, यह अस्पष्ट है।